नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के दौरान हमने रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या श्वसन गुणांक का अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का श्वसन गुणांक निकाला था, जैसे CM पात्रों में कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, अवायवीय शोषण का, इनके शोषण गुणांक का हमने स्टडी की थी या इनका शोषण गुणांक हमने ज्ञात किया। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ATP या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे जैविक ऊर्जा मुद्रा भी या बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो ये काफी एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी प्लांट बॉडी की हम बात करें तो उसके अंदर जितने भी जो उपापचयीय क्रियाएं होती है, या तो वह एनाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है, उस दौरान उपापचयीय क्रियाओं के दौरान क्या होता है, या तो ऊर्जा का निष्कासन होता है या ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब ऊर्जा का उपभोग कंजप्शन या ऊर्जा का जो निष्कासन होता है वह किस फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में ही होता है। जितने भी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो, कोई सी भी रिएक्शंस की हम बात करें, चाहे वह कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, या ग्लाइकोलाइसिस की बात करें हम, या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी जितने भी जो रिएक्शंस होती है वह ATP के उपयोग द्वारा ही संपन्न होती है। और कोई अन्य रिएक्शंस ऐसी भी होती है जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, उन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वह भी किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में ही रिलीज होती है। इसी कारण ATP को क्या कहा जाता है, जैविक ऊर्जा मुद्रा या बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी कहा जाता है। मतलब हम ATP को हम किसी अन्य ऊर्जा स्रोत के द्वारा हम हटा नहीं सकते, या ATP के अलावा किसी अन्य ऊर्जा स्रोत का हम उसके स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते। इसी कारण ATP को बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी या जैविक ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। हालांकि कुछ अभिक्रियाओं के लिए प्रोटीन सिंथेसिस हेट सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस हेट सिंथेसिस और पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। इनमें ATP के अलावा हम प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत हम GTP का प्रयोग कर सकते हैं, हेट सिंथेसिस के अंतर्गत हम CTP का प्रयोग कर सकते हैं, और पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस के अंतर्गत हम UTP का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु बहुत ही रेयर केस ऐसे हैं या बहुत ही कम केस है जहां पर ATP के बजाय किसी अन्य एनर्जी सोर्स का उपयोग किया जाएगा। इसे प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं जगह पर आप GTP को ले सकते हैं ATP के बजाय, वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी प्रकार फैट सिंथेसिस या जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है वहां पर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम ATP की जगह उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जो पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस होता है वहां पर हम यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही कम केस ऐसे मिलेंगे जहां पर ATP की बजाय हम किसी अन्य एनर्जी सोर्स को उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ATP की खोज की। तो जो ATP की खोज की गई थी वह की गई थी किसके एंड और उनके द्वारा। ATP की खोज वह की गई थी फिस्के एंड सुब्बाराव वैज्ञानिक के द्वारा। फिस्के एंड सुब्बाराव वैज्ञानिक के द्वारा तथा ATP का जो जीवित कोशिकाओं में जो महत्व बताया था वह बताया था ट्रिप्टेज लिपमान के द्वारा।
एटीपी का जीवित कोशिकाओं के अंदर जो महत्व बताया था वो किसके द्वारा बताया था? वो बताया था क्रिटेज लिखनान के द्वारा। किसके द्वारा बताया था? क्रिटेज लिपमान के द्वारा 1940 में बताया। और इसके बाद जो बार बार एंड मेजर जो साइंटिस्ट आए, बार बार एंड मेजर, इन्होंने बताया कि एटीपी का निर्माण जब ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होता है उस दौरान होता है। एटीपी का निर्माण कब होता है? जब ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो, तब क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। तो अगर एटीपी के डिस्कवरी की बात करें तो इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है, या सर्वप्रथम किसने खोजा था एटीपी को? किसके? एंड सुब्बाराव वैज्ञानिक के द्वारा। और एटीपी का जीवित कोशिकाओं के अंदर महत्व, या एटीपी का फिजियोलॉजी में महत्व, एटीपी का फिजियोलॉजी में महत्व किसके द्वारा बताया था? क्रिटेज लिपमान नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। और उसके बाद बार बार एक मेजर साइंटिस्ट ने बताया कि एटीपी का निर्माण ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में परिवर्तन के दौरान होता है, या क्या बताएगा? एटीपी कब बनता है? अवायवीय शोषण के दौरान बनता है, क्योंकि ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में जब परिवर्तन होता है तो यहां पे कैसा रेस्पिरेशन होता है? अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ग्लूकोज के लैक्टिक एसिड में परिवर्तन के दौरान या अवायवीय शोषण के दौरान क्या बनता है? एटीपी बनता है। ऐसा किसने बताया? बार बार एंड मेयर नामक साइंटिस्ट के बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके पहले एक पॉइंट और देखना, फिर कुछ अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया कि जो एटीपी का निर्माण होता है वह किस दौरान में हो सकता है? वायवीय शोषण के दौरान, या कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान भी हो सकता है। जैसे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है दौरान भी क्या बनती है? एटीपी बनती है। बाद में जो अन्य रिसर्चर जो आए या अन्य वैज्ञानिक आए उन्होंने बताया कि एटीपी का निर्माण वायवीय शोषण के दौरान या कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान भी हो सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एटीपी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अगर हम एटीपी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करें तो एटीपी की जो रासायनिक संरचना का जो अध्ययन किया गया था वह सर्वप्रथम किया गया था लोहमान नामक साइंटिस्ट के द्वारा। लोहमान ने क्या किया था? एटीपी की रासायनिक संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किया और इसकी जो रासायनिक संरचना है एटीपी की उसका वर्णन किसके द्वारा किया गया था? वर्णन किया गया था अलेक्जेंडर टोड के द्वारा। तो एटीपी की जो रासायनिक संरचना है इसका अध्ययन तो सर्वप्रथम लोहमान के द्वारा किया गया और इस रासायनिक संरचना का वर्णन अलेक्जेंडर टोड के द्वारा किया गया। अब जो ये एटीपी होता है, एटीपी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके साथ क्या होते हैं? तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो एडिनिन नामक नाइट्रोजन चालक, ये क्या है? एडिनिन नामक नाइट्रोजनिक चालक जो कि एक प्यूरीन है, वह किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? पांच कार्बन की डाइबोक्सिगन के
ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। और ये पांच कार्बन और इसमें क्या होता है, तीन फॉस्फेट रेडिकल या तीन फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। और ये सारी संरचना मिलकर किसका निर्माण करती है, एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी में क्या पाया जाता है, एडेनिन नामक नाइट्रोजन की सारा, राइबोज नामक पांच कार्बन की शर्करा और तीन फॉस्फेट रेडिकल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। अब जो ये एटीपी होता है, ये सक्रिय अवस्था में, जब एटीपी एक्टिव स्टेज में होता है, तो ये मैग्नीशियम आयन के साथ या मैग्नीज आयन के साथ जुड़ा हुआ जाता है। यहाँ पर जो ये एटीपी की जो ये फॉस्फेट रेडिकल है, ये तीन फॉस्फेट रेडिकल है, ये किसके द्वारा बंध बनाते हैं, मैग्नीशियम आयन के द्वारा बनाते हैं, जिसके कारण ही एटीपी अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम आयन इनके साथ नहीं जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एटीपी विखंडित हो जाता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, क्योंकि इसकी जो फॉस्फेट इकाइयां होती है इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम का जो सबसे अधिक विद्युत रीडिंग परमाणु है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन तो बायोलॉजिकल सिस्टम में या कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता, फ्लोरीन के बाद जो सबसे अधिक विद्युत रानी है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है फॉस्फेट रेडिकल से, इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस फॉस्फेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या स्थिर वैद्युत की रिपल्शन होने लगता है, जिसके कारण यहाँ से एक फॉस्फेट रेडिकल मुक्त हो जाता है या एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाता है, जिसके कारण जो एटीपी होता है एक फॉस्फेट के निकलने के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जिस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा वह उतना ही अधिक ऊर्जावान होगा। तो यहाँ पर एडीपी के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, चार नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, चारों ही मतलब एटीपी किस फॉर्म में उपस्थित होता है, एटीपी माइनस फॉर्म में उपस्थित होता है। इस अवस्था में ये सर्वाधिक एनर्जेटिक पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है और इस अवस्था में ये स्थायित्व किसके द्वारा प्रदान करेगा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा प्रदान करेगा। परंतु जब इसे मैग्नीशियम आयन मिल जाएंगे तो इसके ऊपर केवल कोई नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि दो जो चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, मैग्नीशियम के पास है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसके दो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया जाता है, तो एटीपी माइनस की स्थिति में ये पाया जाएगा और इसी अवस्था में ये स्थायित्व प्रदान करता है। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं होता तो ये ज्वाइंट किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन होता है वह काफी ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के द्वारा इसका एक फॉस्फेट रेडिकल तुरंत ही यहां से मुक्त हो जाता है और एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी एटीपी के साथ मैग्नीशियम आयन जुड़ा रहेगा तो वह माइनस टू स्टेट में रहेगा और एडीपी के साथ जुड़ा रहेगा तो वह माइनस वन रहेगा, क्योंकि एडीपी के पास कितना चार्ज होता है, माइनस तीन होता है। जब भी इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ जाता है क्या बचता है, केवल एक माइनस वन बचता है। तो एडीपी जब मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़ा हुआ रहता है या इसके ऊपर जितना भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इस दौरान ये हाई एनर्जेटिक कंडीशन में रहता है। यहां से देखना जो ये एटीपी है या फिर जो ये एटीपी है इसकी संरचना में कौन कौन से पोर्शन पाए जाते हैं, इसकी संरचना में पाए जाते हैं एक तो 6 एमिनो प्यूरीन या एडीन, यहाँ पर एडीन होता है और इस सारी कौन सी पोजीशन पर होता है, 6 वाली पोजीशन पर होता है, इसी कारण इसे 6 एमिनो प्यूरीन
कहा जाता है, या एडेनिन कहा जाता है। यह एडेनिन इस राइबोस शर्करा के साथ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजन की सागर तथा राइबोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहा जाता है। एडेनिन जब राइबोस शुगर से जुड़ता है, पांच कार्बन की राइबोस शुगर से जुड़ता है, तो इसे क्या कहा जाता है? एडिनोसिन। जब इस एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, एडिनोसिन के साथ क्या जुड़ेगा? एक फॉस्फेट जुड़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर दूसरा फॉस्फेट जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडीपी। अगर यहां से दूसरा फॉस्फेट जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडीपी। अगर एक फॉस्फेट जुड़ा रहे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडीपी। अगर दूसरा फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो इसे कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडीपी। अगर इससे तीसरा फॉस्फेट इसके रेखीय क्रम में इसके लीनियर ऑर्डर में जुड़ जाए इसे क्या कहा देंगे हम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। तो अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में तो एडिनिन नामक नाइट्रोजन के साथ इसे सिक्स एमिनो प्यूरीन भी बोल सकते हैं। वह सिक्स एमिनो प्यूरीन राइबोस शुगर के पहले कार्बन के द्वारा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा क्या मुझे उसके माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। अब जो ये राइबोस शुगर है इसके फिफ्थ वाले जो कार्बन है इससे अगर एक फॉस्फेट रेडिकल संयुक्त हो जाए या एक फॉस्फेट रेडिकल जुड़ जाए इसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है। अब अगर इस फॉस्फेट से कोई दूसरा फॉस्फेट आकर जुड़ जाए तो इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कह देंगे। अगर तीसरा फॉस्फेट जुड़ जाए इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और किसी भी कोशिका में एएमपी एडीपी और एटीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमेशा बने रहते हैं या हमेशा उपस्थित रहते हैं। किसी भी कोशिका में किसी भी समय देखो तो एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें सब देखने को मिलेंगे। और जो ये एएमपी है, एडीपी है या एटीपी है, ये एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम की सहायता से एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम की सहायता से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अगर एटीपी का हम एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम की सहायता से विखंडन कराएं तो पहले एडीपी में और उसके बाद एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार एएमपी के साथ अगर एक फॉस्फेट जोड़ दिए तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडीपी के साथ एक फॉस्फेट या लोडिंग फॉस्फेट जोड़ दें तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये एक दूसरे में चेंजेबल बने रहते हैं। किस एंजाइम के द्वारा? एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम के द्वारा ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। और कोशिका में जो एटीपी होता है, अगला पॉइंट क्या है? कोशिका में जो एटीपी होता है वह मैग्नीशियम आयरन के साथ 2- स्टेज में पाया जाता है। और जो एटीपी होता है वो -1 में मैग्नीशियम आयरन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम ही इन्हें क्या प्रदान करता है? स्थिरता या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। क्योंकि एटीपी के ऊपर -4 या -4 नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण यह अस्थायी अवस्था में होता है। अगर इस अवस्था में रहेगा ये तुरंत ही एडीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एडीपी के ऊपर कितना चार्ज होता है? -3 चार्ज होता है। क्योंकि एडीपी में जो फॉस्फेट रेडिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या स्थिर विद्युत
रिपल्सन होता है। यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होने के कारण रिस्पेक्टिव रेडिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण यहाँ से एक फॉस्फेट रेडिकल विमुक्त हो जाता है, जिसके कारण रेडिकल वही और ये फॉस्फेट का निर्माण होता है। फिर इसमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में रिपल्सन पाया जाता है, जिसके कारण एडीपी भी आगे जाकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी बना है और ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। जैसे एटीपी के ऊपर माइनस चार चार्ज पाया जाता है और एडीपी के ऊपर माइनस तीन चार्ज पाया जाता है, तो एटीपी एडीपी से ज्यादा ऊर्जावान ग्रुप होता है। उसी प्रकार अगर एएमपी से एडीपी का कंपेयर करें तो एएमपी के ऊपर क्या होता है, माइनस टू नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण एडीपी एएमपी से ज्यादा ऊर्जावान होता है। तो अगर ऊर्जा के क्रम में इन्हें जमाएं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी, एडीपी में होगी, उससे ज्यादा ऊर्जा किसमें, उससे कम ऊर्जा किसमें होगी, एएमपी में होगी, और उससे कम किसमें होगी, सॉरी एडीपी में होगी और उससे कम किसमें होगी, एएमपी में होगी। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, और जिसे रोकने के लिए ही ये किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीशियम प्लस आयन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है तथा ये स्थिरता प्रदान स्थिरता उपलब्ध हो जाती है। और साथ में ही इनको स्थिरता कौन प्रदान करेगा, जैसे ही एटीपी किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी में तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है या जब एटीपी इन प्रोडक्ट के रूप में चेंज होता है, इनमें क्या होने लगता है, रेजोनेंस या अनुनाद होने लगता है, और उस अनुनाद के द्वारा ये दोनों ही क्या प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन द्वारा भी एटीपी क्या प्राप्त करता है, स्थिरता या स्थायित्व प्राप्त करता है। क्योंकि जो फॉस्फेट होता है यही होता है फॉस्फेट, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें स्थिरता प्राप्त या इसका स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। एडीपी में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा एक स्थायित्व या स्थायी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी रिएक्टिव फॉर्म में यह उपस्थित था। और साथ ही यहाँ पर एटीपी का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, वाटर की उपस्थिति में होता है, इसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में इस प्लस आयन भी मिलेंगे, जो कि आयोनाइजेशन या सोल्यूशन का आयोनाइजेशन करने का कार्य करते हैं। तो एटीपी को अगर हमें स्थायित्व प्राप्त करवाना है तो किन दो प्रोसेस के, किन प्रोसेस के द्वारा करवा सकते हैं, या तो मैग्नीशियम आयन से जोड़ दो इसको, इसके द्वारा भी ये काफी स्थायित्व अवस्था में रहेगा या स्टेबिलिटी रहेगी इसमें। एटीपी को एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करा दो, जिसके कारण जो ये प्रोडक्ट बने हैं ये रेजोनेंस या अनुनाद दर्शाएंगे, जिसके कारण ये स्थायित्व हो जाएंगे। और क्या, जब इनका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H+ आयन विलयन में रिलीज होंगे, जो कि आयनाइजेशन स्टेबलाइजेशन करना करवाने का कार्य करते हैं। मतलब आयनीकरण प्रक्रिया के द्वारा भी एटीपी क्या प्राप्त कर सकता है, स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। ये थी एटीपी की संरचना के बारे में बात की, इसके स्थायित्वकरण के बारे में हमने बात की। अब जो ये एटीपी होता है इसे अधिक ऊर्जावान क्यों माना जाता है, क्योंकि एटीपी में क्या होता है, तो एडीनोसिन सीन होता है और इसके साथ तीन फॉस्फेट रेडिकल जुड़े हुए रहते हैं, और जो इनके जो दो फॉस्फेट होते हैं, इन फॉस्फेट बंधों के टूटने पर सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जो ये फॉस्फेट बंध है यही इसके सबसे उच्च ऊर्जा युक्त बंध है, इनके टूटने पर ये क्या मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है। और इन बंधों को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वेवी लाइन के द्वारा या तरंगित लाइन के द्वारा इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब
किसी भी ऋण आवेश फॉस्फोरिलीकृत यौगिक में उच्च ऊर्जा वाले क्या होते हैं, फॉस्फेट मंड उपस्थित होते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है, उच्च ऊर्जा वाला अणु है और उस पर क्या है, नेगेटिव आवेश है या नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी ऋण आवेशित फॉस्फोरिलीकृत यौगिक में क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंध होते हैं और इन्हें किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तरंगित लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या बैटरी लाइन से इन्हें शो किया जाता है। तो एटीपी में क्या होता है, केवल दो ही फॉस्फेट जो बंद होते हैं और ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, इनके द्वारा एनर्जी होते तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकली होगी, इसी कारण इनको बैटरी लाइन या तरंगित लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो थर्ड वाला जो फॉस्फेट बंद है, इसे केवल हम सीधी रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। हमने अभी अभी यहाँ पर ऊर्जा युक्त अणु के रूप में एटीपी की बात की, परंतु कोशिका में कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें एटीपी से भी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। जैसे अगर हम फॉस्फोइनोल पाइरेट की बात करें, फॉस्फोक्रिएटिन की बात करें या क्रिएटिन फॉस्फेट की बात करें, क्रिएटिन या क्रिएटिनिन फॉस्फेट की हम बात करें, 1,3-bisphosphoglyceraldehyde की बात करें, 1,3-bisphosphoglyceraldehyde की हम बात करें, ऐसी टाइप को एंजाइम की हम बात करें, ऐसी टाइप को एंजाइम ए की अगर हम बात करें और भी अन्य कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें एटीपी से भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी पाई जाती है और इन्हें क्या कहा जाता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स या उच्च ऊर्जा वाले अणु कहा जाता है, जिनमें एटीपी से भी ज्यादा अपने फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि यह एटीपी से भी ज्यादा ऊर्जा युक्त होते हैं। जैसे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में लगभग 2 एटीपी के बराबर एनर्जी होती है, 2 एटीपी के बराबर एक फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। उसी प्रकार हमारी जो मांसपेशी में बनता फॉस्फोक्रिएटिनिन बनता है या क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो अणु होता है उसमें भी अपने फॉस्फेट अणु को रिलीज करने की कैपेसिटी पाई जाती है। उसी प्रकार हम जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वहां पर क्या होता है, 1,3-bisphosphoglyceraldehyde या 1,3-bisphosphoglyceraldehyde होता है। जब इसका फॉस्फेट अणु रिलीज होता है तो उससे भी क्या बनवाए, उसका जो फॉस्फेट अणु रिलीज होता है उससे क्या बनवा सकते हैं, हम एटीपी बना सकते हैं। मतलब इसमें एटीपी से भी ज्यादा एनर्जी पाई जा रही है, यदि कोई अपना फॉस्फेट ग्रुप किसी अन्य फॉस्फेट ग्राही को दे रहा है। तो कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉस्फेट त्यागने की या एटीपी से भी ज्यादा एनर्जी पाई जाती है, उन्हें हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो जब भी हम देखते हैं कि जिनका एनर्जी लेवल एटीपी से ज्यादा होता है उनमें अपना फॉस्फेट त्यागने की कैपेसिटी ज्यादा पाई जाती है और वह अपना फॉस्फेट किसी निम्न ऊर्जा ग्राही अणु को या किसी निम्न फॉस्फेट ग्राही अणु को दे देते हैं। जैसे अगर हम फॉस्फोइनोल पाइरेट की बात करें, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वह किसको कन्वर्ट कर देता है या किसको दे देता है, एडीपी को दे देता है, या जो एडीपी है वह इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्रहण करके किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पाइरूवेट अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्रदान कर लेता है। क्योंकि जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है ये कैसा यौगिक है, एक अस्थिर यौगिक है,
अस्थिर होने के कारण यह अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको प्रदान कर देता है, एडीपी को प्रदान कर देता है, क्योंकि जो एडीपी होता है इससे निम्न ऊर्जा युक्त अणु होता है, इसका जो एनर्जी लेवल है वह फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट से काफी कम है, इसके कारण यह अपना फॉस्फेट समूह इसे लेकर इसे एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है और स्वयं किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोनोन पाइरुवेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉस्फोनोन पाइरुवेट रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो एटीपी होता है वह अपना फॉस्फेट ग्रुप अपना जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल से आया अपना जो फॉस्फेट अणु है वह किसको देगा, तो किसको देता है, एटीपी से जो लो एनर्जी होती है उसको देने का कार्य करता है। जैसे जो ग्लूकोज है इसका जो एनर्जी लेवल है वह एटीपी से कम होता है, तो एटीपी अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को देकर किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एटीपी है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉस्फेट त्यागने की और जो ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है ये किस बेसिस पर होती है, तो जो एनर्जी का जो लेवल होता है उस बेसिस पर होती है। जैसे मैंने बात की फॉस्फोनोन पाइरुवेट फॉस्फोक्रिएटिन एसिटाइल कोएनजाइम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेडीहाइड, ये ऐसे अणु होते हैं जिनका जो एनर्जी लेवल है वह एटीपी से भी ज्यादा पाया जाता है। जैसे फॉस्फोनोन पाइरुवेट की बात करें तो इसमें 2 एटीपी के बराबर एनर्जी पाई जाती है, तो मतलब ये अपना जब भी फॉस्फेट त्यागेगा तो इससे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स के द्वारा फॉस्फेट को ग्रहण किया जाएगा। तो फॉस्फोनोन पाइरुवेट से कम एनर्जी लेवल पर कौन एटीपी होता है, इसी कारण एटीपी का जो एडीपी होता है वह इस फॉस्फोनोन पाइरुवेट से फॉस्फेट ग्रहण करके एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और स्वयं फॉस्फोनोन पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रेजोनेंस द्वारा या अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे मैंने बताया था अभी एटीपी का जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो कितना होता है एडीपी में, पता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी होते हैं ये रेजोनेंस या अनुनाद शो करते हैं जिसके कारण ये कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं या स्थायी को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही यहाँ जब पाइरुवेट एसिड सॉरी जब जब यहाँ फॉस्फोनोन पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो वो पाइरुवेट अनुनाद शो करता है और वह स्थायी को प्राप्त कर लेता है, और एटीपी अब अपना फॉस्फेट किसको देगा, यहाँ पर एटीपी से जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल से उनको देगा, ग्लूकोज की जो एनर्जी लेवल है वह एटीपी से भी कम पाया जाता है, जिसके कारण ये तो क्या होगा फॉस्फेट त्यागने वाला होगा और ये फॉस्फेट कन्वर्ट करने वाला होगा। एटीपी से जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। मतलब कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें एटीपी से अधिक ऊर्जा उपस्थित होती है, उन्हें कहा जाता है हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स या उच्च ऊर्जा युक्त अणु, और उन अणुओं में क्या होता है वो अपना जो फॉस्फेट है वह त्यागने की प्रवृत्ति एटीपी से ज्यादा पाई जाती है, या अपना जो फॉस्फेट ग्रुप जो स्थानांतरण की जो प्रवृत्ति होती है वह एटीपी से ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, इसी कारण वह अपना जो फॉस्फेट है वह किसी फॉस्फेट ग्राही अणु को प्रदान कर देते हैं जिसकी एनर्जी लेवल उस अणु से कम होता है, और जो अणु बनेगा वह अपना फॉस्फेट किसी अनादर को प्रदान कर देगा जिसका एनर्जी लेवल उससे भी कम होगा। इसी कारण हमने देखा यहाँ पर पीईपी का फॉस्फोनोन पाइरुवेट का एनर्जी लेवल एटीपी से भी ज्यादा था, इस कारण इसने अपना फॉस्फेट एटीपी को दे दिया। अब एटीपी का जो एनर्जी लेवल है वो ग्लूकोज से ज्यादा है, इसी कारण ग्लूकोज एटीपी से फॉस्फेट ग्रहण कर लेगा, एटीपी किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा,
और ग्लूकोज जैसे ही फॉस्फेट ग्रहण करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखा हमने एटीपी की संरचना के बारे में। एटीपी को बायोलॉजिकल एनर्जी ग्रहण से क्यों कहा जाता है, एटीपी उच्च ऊर्जा युक्त अणु के रूप में क्यों पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, अभी अभी हमने देखा कि कोशिका में फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोग्लिसरीन एसिटाइलकोएंजाइम है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरेडीहाइड है, ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनकी ऊर्जा एटीपी से भी ज्यादा होती है। तो इन्हें क्यों ना एटीपी के बजाय हम ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग कर लें, क्योंकि एटीपी से भी ज्यादा है तो डायरेक्ट इन्हें ही क्यों ना उपयोग कर सकते हैं हम किसी भी एनर्जी के लिए। कोशिका में एनर्जी का निष्कासन हो रहा है या एनर्जी को दे रहे हैं और एटीपी के फॉर्म में ही क्यों दे रहे हैं, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में भी तो हम दे सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरीन के फॉर्म में भी तो हम दे सकते हैं, एसिटाइलकोएंजाइम के फॉर्म में भी तो हम दे सकते हैं, तो क्यों नहीं दे सकते। तो इसका जो आंसर है वो इंटीग्रल है कि जो फॉस्फोलिपिड है उसको क्रिएटिन है, एसिटाइलकोएंजाइम है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरीन है, इनकी जो मात्रा है वह कोशिका में क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, जबकि जो एटीपी है उसकी मात्रा कोशिका में हमेशा ही बनी रहती है। इसी कारण एटीपी का ही एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे आपने बादाम देखी होगी, काजू देखे होंगे, फैट या वसा भी देखा होगा, और साथ में ही अनाज की भी हम बात कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किन में पाई जाती है, इन तीनों में पाई जाती है, क्योंकि अनाज में क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, बादाम में काजू में फैट में एनर्जी का लेवल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो खाने के लिए इन्हें ही भाई अनाज के बजाय बादाम काजू या फैट को तो खा सकते हैं, अपन खा तो सकते हैं, परंतु इनकी जो उपलब्धता है वह काफी कम है और ये काफी महंगे भी है, इसी कारण अनाज को ही ज्यादा फेवर किया जाता है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड है, एसिटाइलकोएंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरीन है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेडीहाइड है, इनकी मात्रा कोशिका में कम होती है, जबकि एटीपी की मात्रा ज्यादा होती है। इसी कारण एटीपी को एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर मैंने जितने भी जो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोक्रिएटिन, एसिटाइलकोएंजाइम, इनमें क्या होता है, इनमें से फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोक्रिएटिन, 1,3-PG है, इनमें तो क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंद होते हैं, जबकि यहाँ पर जो एसिटाइलकोएंजाइम लिखे हैं, यहाँ पर जो बंद होता है वो कैसा होता है, थायो एस्टर बंद होता है, या थायो एस्टर बंद होता है जो कि उच्च ऊर्जा युक्त बंद है। तो एसिटाइलकोएंजाइम केवल थायो एस्टर बंद देखने को मिलेगा, जबकि जितने भी जो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है या उच्च ऊर्जा युक्त अणु है उनमें फॉस्फेट बंद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कभी हमने एटीपी के बारे में या हाई एनर्जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम अगले लेक्चर के अंतर्गत श्वसन की क्रिया विधि को अध्ययन करेंगे, जहां पर हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वायवीय श्वसन के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्रेब्स साइकिल के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखेंगे, HMP पाथवे के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।